पिछले हफ्ते बिग बॉस के घर में खूब मेलोड्रामा हुआ जब घर वालों के घर वाले उनके सामने आए, लेकिन शिल्पा शिंदे की मां का घर में आना सिर्फ शिल्पा के लिए ही नहीं बल्कि सारे कंटेस्टेंट को काफी इमोशनल कर गया। शिल्पा की मां ने यहां कहा कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसे मां का दर्जा मिला। शिल्पा शिंदे पहले से ही ऑडियंस की फेवरेट कंटेस्टेंट बन गई थी, लेकिन उनकी मां की एंट्री के बाद अब ऑडियंस की नज़र में शिल्पा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। लेकिन एक जो बात शिल्पा के फैंस जानना चाहते हैं, जो आज तक राज है कि आखिर शिल्पा ने रोमित राज से एन वक्त पर शादी क्यों तोड़ ली, जबकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और शादी में सिर्फ दो दिन का वक्त बचा था। ऐसे में शिल्पा ने एन मौके पर शादी से इनकार क्यों कर दिया? अब इसकी असली वजह का खुलासा भी खुद शिल्पा की मां ने किया है। जी हां, दरअसल एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बातचीत में शिल्पा की मां ने उनकी शादी टूटने की असली वजह बताई है। शिल्पा की मां ने बताया है, रोमित राज ने शिल्पा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे शिल्पा ने एक्सेप्ट भी किया और फिर बात शादी तक पहुंची। लेकिन शादी तक रोमित और शिल्पा के बीच कई बातों को लेकर काफी सारे मतभेद थे। शिल्पा की मां का कहना है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हर बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसीलिए शिल्पा ने शादी से दो दिन पहले ही अपनी शादी तोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शादी के बाद डिवोर्स हो उससे अच्छा है कि रिलेशनशिप को पहले ही खत्म किया जाए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इनएक्टिव होने के बाद भी हर बीतते दिन के साथ शिल्पा शिंदे की फैन फॉलोइंग अब आसमान छूने लगी है, और तो और अब शिल्पा को बिग बॉस के टाइटल की सबसे बड़ी दावेदार भी माना जा रहा है। वल अब देखना होगा कि बिग बॉस के घर में शिल्पा की जर्नी कहां तक जाती है और आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शिल्पा की मां के खुलासे पर आपका क्या कहना है, क्या शिल्पा का फैसला सही था या नहीं। अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें।